Hey there friends, again welcome to my channel. So I'm talking about Hyundai ki most affordable car, which is Eon 800cc IRDE. It has a 1-liter variant bhi available. Hai. So I'll highlight the features both. So let's start. First of all, this is a top-end variant. This is Magna Plus. You can say second top variant. There is no difference in the features. So first of all, the length and height ki 800cc or 1000cc wale variant mein thoda sa farak hai length aur height ka. 3495 mm 800cc ki length hai, 1500 mm iski height hai. Width dono ki same hai. Ab 1000cc ki baat karu, 3515 mm iski length hai and 1510 mm iski height hai. So no, zyada farak nahi hai. And ab dekh sakte hai, rear bhi kafi interesting sa hai. Aur iska first gen hai, ab tak koi iska facelift ka koi upgrade aaya nahi hai. And isme black handles de rakhe hain for doors. And ab main engine ki baat karu, ye 3 cylinder 814cc 56 ps power hai and 76 nmfs ka torque hai and 9 valves ka SOHC setup ke sath. Aur main baat karu 1000cc engine ki, 12 valve DOHC setup, 998cc 69 ps with 96 nmf torque. To ab dekh lijiye iski boot space, decent cm, koi zyada isme iske to koi official figures bhi nahi hai, bas boot specs. So main tyre specs ki baat karu, 155/70 by 13 inch wheels hai, tubeless tyre, thode se puny hai is segment mein, but is segment mein sab mein itne inch wheels hai. So interior ki baat karu, black and beige interiors hai, quality wise decent hai is segment mein baat karu to. And main pehle bata dun, ye Magna Plus variant hai and top variant mein isme fog lamps bhi available hai, but is variant mein nahi hai. And of course, इसमें infotainment system की बात करूँ, इसमें USB aux वगैरह का support है. And अब देख सकते हैं इसके indicators, stocks and light stocks. And अब देख सकते हैं steering भी काफी basic सा है. इसमें driver side airbag का option मिलता है सिर्फ top end में. इस वाले variant में भी available नहीं है. And इस car की key देख सकते हैं, इसमें normal key है. And top end में remote locking का feature available है. So अब देख सकते हैं center console, AC. जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम में काफ़ी डिसेंट साउंड करता है, बेटर देन क्विड डेफिनेटली. एंड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं डिसेंट सा है. एंड इसमें ऑफ कोर्स गियर पोजीशन इंडिकेटर का भी एक फीचर अवेलेबल है. आई थिंक सो ये होंडा की स्टैंडर्ड हो गया अब तो हर कार में. ये टू ट्रिप मीटर्स, ओडोमीटर और बस. एंड 5-speed ट्रांसमिशन, मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव करी थी, सो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है. सिटी के लिए तो ठीक है, जो न्यू ड्राइवर्स हैं जिसको नई नई गाड़ी सीखनी है तो गाड़ी अच्छी है वैसे. एंड देख सकते हैं इसमें ऑफ कोर्स नो इलेक्ट्रिकल मिरर एडजस्टमेंट, काफ़ी बेसिक्स कार है. एंड सीट की बात करूँ, रियर सीट में डिसेंट है, हाइट अराउंड 5'10". सो देख सकते हैं लेग स्पेस कितनी है, ऑलमोस्ट ना के बराबर मेरे लिए. एंड ऑफकोर्स आई लव टू बी ड्रिवन, नॉट शॉफर ड्रिवन. एंड देख सकते हैं इसमें छोटा सा ट्रांसमिशन टनल है. सो ऑफ कोर्स दिस कार इज फॉर 4 नॉट फॉर 5. तीन पतले बैठ सकते हैं अगर काफ़ी टाइटली. एंड अब देख सकते हैं रियर में कोई कप होल्डर स्पेस नहीं दे रखी, ओनली हैंड 47-40 की जो कार्ड्स में होता था जो हैंड एडजस्टमेंट फॉर मिरर्स. सो अब देख सकते हैं ओवरऑल कार काफ़ी छोटी सी है. एंड मैं कलर्स की बात करूँ, जो ये कलर है पोलर वाइट, इसमें सिल्वर, स्टारडस्ट, ब्लू एंड रेड का भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, बट वाइट में इट्स लुक गुड. एंड मैं वेरिएंट्स की बात करूँ, कैटेगराइज ईरा प्लस, ईरा एस ई स्पेशल एडिशन काइंड ऑफ, मैग्ना प्लस एंड स्पोर्ट्स. एंड 1 लीटर में है सिर्फ मैग्ना प्लस एंड मैग्ना प्लस ऑप्शनल. सो ये दोनों वेरियंट्स अवेलेबल है. एंड आप देख सकते हैं कितना छोटा सा इंजन है, इट लुक्स लाइक 814cc ट्रिपल सिलेंडर. सो इट्स लुक्स वेरी स्मॉल. एंड ओवरऑल मैं सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ, इट्स कोड 0 स्टार्स. आई नो बिकॉज इसमें सेफ्टी के नहीं है, बजट के लिए और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए गई थी. एंड मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ, इट्स अराउंड 22.03 ARAI क्लेम्ड. एंड 1 लीटर का 21.77. ये देख सकते हैं इसमें स्प्लिट सीट का नहीं, इसमें सीट फोल्डिंग का फीचर अवेलेबल है. सो शॉपिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है फीचर.
प्राइसेस की बात करूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, दैट्स नाइस। क्विड जितनी प्रैक्टिकली है, क्विड में ऑफकोर्स ज़्यादा स्पेसेस है एंड इट डजेंट हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑटोमेटिक जो क्विड में, एंड ऑल्टो K10 में फीचर अवेलेबल है। सो एक यहाँ पे एक फीचर लैक होता है, और हाँ बट इसमें टच स्क्रीन नेविगेशन दे रखा है, वो एक स्पेशल एडिशन जैसे कि मैंने बात करी उसमें। सो दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ इस छोटे से वॉक अराउंड वीडियो में। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड गुड बाय।